तो अपशगुन हो गया, मगर मासा से कहेगा कौन? में जन्मी कुलच्छिनी तो बड़ो अपशकुन कर दियो। बड़ा अपशकुन, अरे जे छोरी ने चार कलक संभालना ना आवे वो घर गृहस्थी का बोझ कैसे संभालेगी? अरे तारी जय हो कबीला में संतोष, तारी जय हो। मैं तो तने समझदार लुगाइयों में समझती थी, पर तू तो बाहुली मां से निकली। अगर सूरज जी ने कमला भाभीजा का नाम लिया तो मासा कमला भाभीजा को डांटेंगी। ऐसी कैसी बिंदने लेके आई तू घर में? अरे ना आदर ना शर्म, बिना आग के तवा गरम, ना उठने बैठने का ढंग है, ना रीत रिवाज की समझ है। उम्र के साथ सठिया रही थी तो मरने कह देती। मैं छोरा के वास्ते लेके आती कोई सुगड़ बहू। और मेरी कमला कहाँ गई है तू? अठिया अठिया, ये है मेरी कमला, इसे बिंदनी कहे है, इसे मैं लेकर आई थी। मैं दूसरों में तो 16 गुण हुए हैं, इसमें 116 है कि नहीं बोल। और ये थारी बिंदनी सारी उम्र उसे पास में बिठा के कख कख सिखाती रही हो, बाकी ये थारे कोई काम ना आएगी। मासा गलती हो गई मासा, मन्ने माफ कर दो, गलती म्हारी है, सन्या बिन्नी की कोई गलती ना है। वो तो बहुत संभल के चल रही थी मासा, बस मेरे ही पैर में कांटा लग गया और मैं डगमगा गई। सहारा लेने के लिए हमारा हाथ संध्या बिन्नी पे चला गया, बस उसी से उसकी तीनों मटकी गिर गई। मासा मने माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है। अरे जब नाश्ता करने बैठती है तब एक चौथाई खेत तेरे अकेले को चढ़ता है, और एक कांटे का दर्द तारे से बर्दाश्त ना हुआ। गलती हो गई, इससे तू गलती के में है? इतना बड़ो अपशकुन हो गया और इसे तू गलती कहे है? शहर की हवा लग गई के तने के ध्यान कौन नहीं है थारो है? मासा कमला, छुट्टी काट काट छुट्टी। अरे रे कितने जोर से काटती है,
संतोष, ये सूरज की बिंदनी है ना? जी, मेरा हाथ पकड़ लिया। मासा, आप घर की बड़ी है, हम सबका फर्ज है आपका सम्मान करना, पर ये सम्मान ही उमासा, आपका डर नहीं जो हमारी नजरें आपके सामने नीची झुकाए, क्योंकि सम्मान वक्त के साथ बदलता नहीं पर डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मासा, आपको हक है हमारी गलतियों पर हमें डांटना, हमें सही राह दिखाना, पर मासा आपसे एक विनती है। क्या? अपनी बहुओं पे इस तरह हाथ उठाना, उन्हें यूं डांटना अच्छा नहीं मासा। ये आपसे कह नहीं पाती पर बहुत दर्द बहुत तकलीफ होती है इन्हें, ये गलत है मासा, ऐसा मत कीजिए। वाह, क्या बिंदनी है, क्या बिंदनी है, अरे बड़ी अनोखी बिंदनी है रे तारी। सूरज कहाँ है रे, तेरे भाई ना ना लागने दे बेटा, लागने दे। अरे मारी बिंदनी, गले लग जा मारे, तू तो बड़ी फुतरी है रे, बड़ी फुतरी है। रे छोरा जा, जल्दी से सलेट लेके आ, आज मारी मास्टर ने बिंदनी मने सिखाएगी कख गख लिखना, ले क्या? अब ये मन सिखाएगी कि प्यार के हुए हैं, सम्मान के हुए हैं, सास का बहू के साथ में कैसा बर्ताव होना चाहिए। जब भगवान ने तन्ने धरती पर भेजने का विचार भी ना किया था ना, उसके पहले ही मैं सास बन गई थी। संतोष, सही कह रही हूँ ना? जी मासा। मन ने सिखाएगी कि सास और बहू का रिश्ता के हो गए ना, ऐसी बेशरम लुगाई की मारे घर में कोई जगह नहीं। संतोष, तू भले इसे बड़े घर से लाई हो पर मैं इसे अपनी बहू मानने से इनकार करती हूं। ये मारे परिवार की बहू कभी ना कहलाएगी। सुन ले संतोष, हमारी पोती की विदाई होते ही ना पहली गाड़ी पकड़ के लौट जाना और पलट के तभी आना जब ये दंदन आती हुई हमारे गांव और हमारे कबीले में पैर ना रखे। समझ गई ना?